हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते थे, किसी कारणवश अभी तक वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त बताई थी, जो कि बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया गया है। अगर जो आप लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये 15 सितंबर हुआ है या कि ऐसे ही कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की फ्री में तैयारी कराई जाने वाली है। ठीक है, बहुत सारी क्लासें पढ़ चुकी हैं और कुछ क्लासें धीरे धीरे होकर के चल रही हैं। आपकी डेली क्लासेज जो चलती हैं, उसका टाइम टेबल मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के पढ़ सकते हैं। एक क्लास चलती है आप लोग की 7 बजे, ठीक है, और एक क्लास चलती है 8 बजे शाम में, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन होकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कल मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया है, जिसको आप लोग देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको जा करके आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको न्यूज मिलती रहती है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना डेट हुआ है फॉर्म भरने का और सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, सीधे जा करना है गूगल पर, ठीक है, और सर्च बार में टाइप कर देना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, बस आप लोग धैर्य बना करके बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, टाइप करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारियाँ यहाँ पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कौन कौन से लिंक से भरना है अभी मैं वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सिंपली क्या करना है, गूगल पर जाना है और टाइप करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया एग्जाम 2024, ठीक है, या बस इतना ही लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको बहुत सारे सेशन दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं नीचे करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर एक दिख रहा है न्यूज वाला सेशन, ठीक है, एक दिख रहा है इमेज, एक दिख रहा है वीडियो। ठीक है, तो इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये न्यूज वाला सेशन दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूज बहुत सारी देखने को मिलती है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप आकर के सारी जानकारियाँ एकदम अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है पेज थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, लोड लेगा, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए, फॉर्म भरने से सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, फॉर्म भरने से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होनी चाहिए दी गई हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कितने कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, कितने कितने बच्चों को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग आकर के देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे तो और सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख देखिए लिखा गया है कि जो फॉर्म भरने की तिथि थी वो कितना 30 अगस्त तक चलेगी, लेकिन से अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि 15 सितंबर, कहाँ पर दिया गया है कि 15 सितंबर हो गया है। ठीक है, तो मैं बैक आ जा रहा हूँ इस यहाँ से, उसके बाद में आगे का स्टेप दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस जस्ट थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। एक मिनट रुकेंगे, बस सर्च करने दीजिए। हाँ, सर्च बार ओपन होगा तो भी सर्च होगा, लेकिन से आपको उसके लिए वेट करना होगा। देखिए यहाँ पर जो न्यूज वाला सेशन दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग आकर के देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो तिथि है कितना है, 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अब ये रियल है या फेक है, इसके बारे में चलिए हम लोग ओपन करके देखते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आप लोग ऊपर ऊपर ही देख करके पता कर सकते हैं। जैसे लिखा गया अमर उजाला, मतलब ये ऑफिशियल, ठीक है, पेज है, तो यहाँ पर फेक न्यूज़ तो दी नहीं जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे टॉप पर ही लिखा गया है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 15 सितंबर तक बढ़ी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, मतलब 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। तो जो बच्चे फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही मुझे दिखाना था, कुछ बच्चे
ऊपर ही सर्च करके चले जा रहे थे, उसके बाद में नहीं मिल रहा था, लेकिन चाहे जो आप लोग इस तरह से देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से वही देख सकते हैं, यहाँ पर फिर लिखा गया वही, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग 15 सितंबर तक आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो मैंने बनाया है, हालांकि मैं आपको अभी थोड़ी देर में और दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग फॉर्म कौन से लिंक से जाकर के भर सकते हैं। और यहां पर देखिए वही चीज़ें फिर से दी गई हैं, मांग को देखते हुए 15 सितंबर तक कर दिया गया था, पहले कितना था ये 30 अगस्त तक था। तो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है और कैसे है, ठीक है। तो आप लोग सारी जानकारियों के साथ क्या करेंगे, जा करके फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि पेपर के बारे में, तो आप लोग पेपर कहाँ देना चाहते हैं तो वो तो फॉर्म भरते समय ही बता दिया जाएगा, लेकिन से यहाँ पर बताया गया है छात्रवृत्ति के लिखित परीक्षा का आयोजन 83 शहरों में, मतलब 83 शहरों में केंद्र पर होंगे, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि जो आपकी वो होगी एडमिट कार्ड, वो कहाँ पर ईमेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अपने ईमेल आईडी को जरूर से जरूर भरिएगा फॉर्म भरते समय, नहीं भरेंगे तो दिक्कत होगा, या फिर गलत भर देंगे तो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि भर दीजिएगा अच्छे से ईमेल आईडी। बाकी ये सारी जानकारियाँ हैं जिनको मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसके बाद में कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि स्कॉलरशिप कितना मिलेगा और किन कितने बच्चों को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 9वीं और 10वीं के कितने 23 विद्यार्थी, यानी कि 23 विद्यार्थियों को कितना 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में 11वीं और 12वीं के कितने 23 स्टूडेंट को कितना 75-75 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप कितना 9वीं से 12वीं के लिए बच्चों के लिए है, और पिछली कक्षा मतलब अगर जो आप लोग 10वीं का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो 9वीं में कितना आपका 60% होना चाहिए, क्लास 9th में 60% होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। और जो फैमिली इनकम है, मतलब आय आपकी जो होनी चाहिए पूरी फैमिली की, कितनी 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, वार्षिक आय है। तो सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है 2023 के बारे में कि 2023 में मतलब कितना कितना मिला, कितना खर्चा हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दी है। उसके बाद में फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लिंक बताया गया है कौन कौन से वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीन तीन दिया गया है, तीनों में से कोई भी वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर बताया गया दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज में क्या मतलब क्या क्या लगेगा, फोटो, ठीक है, पिछली कक्षा का मार्कशीट, ठीक है, आवासीय पता मतलब आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ठीक है, मतलब जो जो दिया गया होगा उसको आपको एकदम अच्छे तरीके से अपलोड करना होगा। तो आप लोग फॉर्म भरिएगा तो एकदम अच्छे तरीके से अपलोड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम ही स्टेप पे आपको सारे डिटेल कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ फॉर्म कहाँ से भरना है, ठीक है। सिंपली बैक आ जाएंगे हम लोग और यही टाइप करना, क्या अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024, बस इतना ही टाइप करिएगा, बाकी सबको क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन कर लीजिएगा मन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पर जो वेबसाइट दिया गया है, ठीक है, न्यूज वाले सेशन में हम लोग हैं अभी, तो न्यूज वाले सेशन से हट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेंगे हम लोग, क्या होंगे आल वाले सेशन में आ जाएंगे, ठीक है। आल वाले सेशन पे आते ही आपको यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर पर अमर उजाला का जो दिया गया है, ये इस पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप। आता उसके बाद लिखा गया अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आज से शुरू, मतलब जब आया था 15 अगस्त को तभी से ये लिखा है, ठीक है। तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, थोड़ा सा पेज रिफ्रेश लेगा। उसके बाद में यहीं पर आपको लिंक मिलेगा, एक मिनट रुकेंगे मैं आपको दे दे रहा हूँ लिंक कहाँ से फॉर्म भरना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चलिए, यहीं से ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो रहा है, बैक आ जाइए, थोड़ा सा लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ से भी भर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से देखिए इस वाले लिंक से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिटेल के लिए था, फॉर्म भरने के लिए ये लिंक है, ठीक है, इस पर आप लोग जा करके फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है जिसमें लॉग इन करने का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर शुरुआत में देखेंगे सिंगापन लॉग इन, ठीक है, तो क्या करेंगे वो लोग गूगल से लॉग इन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपको फॉर्म भरते समय ये सारी डिटेल भरनी है, जैसे ईमेल आईडी भरना है, आपका पहला नाम क्या होना चाहिए वो भरना चाहिए, अंतिम उम्र, ठीक है, उसके बाद में जेंडर, सारी चीज़ें भरने के बाद में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में आपको कौन सी क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं ये आपको यहाँ पर डालना है, मतलब इस समय किस क्लास में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, जिस भी क्लास में होंगे क्या करेंगे आप लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपका पिछली कक्षा, मतलब अगर जो 10वीं के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिए क्लास 10th लिखा गया है, तो 9वीं में आपका कितना परसेंटेज था यहाँ पर आपको लिखना है, 60% से कम होगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
अब इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम डालना है, कौन सा बोर्ड आपका है, जो भी बोर्ड होगा आप लोग डाल दीजिएगा, हिमाचल है या फिर हरियाणा है या फिर यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, जो कुछ भी होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है जो बच्चे CBSE हैं, ICSE हैं या ISC हैं, ठीक है, वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल मत फिल करिएगा अगर जो इन सारी चीज़ों में से किसी में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको डालना है आपका घर का पता डालना है, स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल का पता डालना है, स्कूल कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आपको ये सबसे अच्छा ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि एग्जाम सिटी मतलब पेपर कहाँ पर आपका होगा, तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि पेपर कहाँ आप देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे शहरों के नाम है, ठीक है, तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर होगा आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या डिस्ट्रिक्ट के पास में कोई शहर होगा या फिर कोई और, ठीक है, प्लेस दिख रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जो नाम में स्पेलिंग में चेंजेज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा यहाँ पर आपको, फादर नेम, फिर ठीक है उसमें मदर नेम, उसके बाद में इनकम, ठीक है, इनकम कितना है, 2 लाख से कम है तो उसमें आपको चूज कर देना है किसके किसके बीच में है। ठीक है, जैसे जो भी होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर जरूर डालेंगे आप लोग, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वही फिर दिक्कत होगा एडमिट कार्ड के समय। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी है, जैसे पिछली कक्षा का मार्कशीट, आपका पिछली कक्षा में कितना, ठीक है, मार्कशीट है, जो उसको क्या करना होगा यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, साइज 1 MB होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में आपका घर का प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारियाँ जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना था, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी जिन बच्चों का कोई पर्सनल डाउट या क्वेरी है, ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर जा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।